खुद को विवेकानंद का फॉलोवर बताने वाले बीजेपी विधायक ने जुमा से सियासी मर्यादाओं को छलनी कर दिया। भाषण देना था युवा सपनों के भारत पर, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना में विधायक जी ऐसे डूबे कि भरे मन से भारत को 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, 2024 तक देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। मौका था स्वामी विवेकानंद की जयंती का और मंच सजा था युवा सपनों के भारत पर बोलने के लिए। मंच पर पहुंचे बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। माइक पकड़ते ही साहब की धमनियों में हिंदुत्व विचारधारा फराटे के साथ तोड़ने लगी। बस क्या था, विधायक जी ने पीएम मोदी को युग पुरुष बताया और लगे हाथ ऐलान कर दिया कि साल 2024 तक योगी और मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत कम ऐसे राष्ट्रभक्त मुसलमान लोग हैं जो भारत की चिंता करते हैं, नहीं तो शुद्ध रूप से रहते हैं यहाँ, खाते हैं यहाँ, पहनते हैं यहाँ का, लेकिन चिंता पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। और राष्ट्र के लिए राष्ट्र चिंतन परिवर्तन का चिंतन परिवर्तन कराना, यदि धर्म परिवर्तन मानते हैं तो मान लीजिए धर्म परिवर्तन, क्योंकि धर्म परिवर्तन मतलब राष्ट्र परिवर्तन हो जाए, राष्ट्रीय चिंतन परिवर्तन हो जाए। नहीं मानेंगे तो हिंदू राष्ट्र के तहत जो सिद्धांत बनेगा, जो संविधान बनेगा, उसके तरह रहना चाहेंगे तो रहेंगे, उनका स्वागत है। नहीं रहना चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजा खुला है, विश्व के सैकड़ों देश उनके लिए दरवाजा जो है खोले रखे। सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुके, उसके बाद तो सियासी मर्यादाओं को पैरों तले बसलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ जुबानी बंदिशें टूटती चली गई और उन्हें जर्सी बछड़ा तक कह डाला। प्रहसन में मैं कहता हूँ कि राजनीति का जर्सी बाछा है वो, जो है भारतीय जुआ था, पिता उसके थे और माता जी इटली की, तो क्या हुआ, यह जो है मिक्सचर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका कल्चर भी मिक्स है। इधर विरोधी दलों ने बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की भाषा की कड़ी आलोचना की। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये होते कौन है ये कहने वाले, और इनके बाप का तो देश है नहीं, ना तो बीजेपी के बाप का देश है, ना आरएसएस वालों का देश है, और ये कौन होते हैं कहने वाले कि देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और यहाँ का मुसलमान कोई किराएदार थोड़ा ही है, वो तो मालिक है, और आज किराएदार लोग मालिक से पूछ रहे हैं कि घर में रहना है कि नहीं रहना है। राष्ट्र चिंतन पर आयोजित किसी समारोह में खुलेआम ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो, क्या ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होगा? क्या बीजेपी विधायक के इन्हीं संस्कारों से बनेगा युवा सपनों का भारत? अनुशासन वाली पार्टी को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।